थोड़ा सा खुद के लिए चुप चुप के जी लिया करो, क्योंकि ये वो जमाना है साहब जिसमें कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप थक गए हो, थोड़ा सा आराम कर लो। क्यों, सही कहा ना, एक हाउसवाइफ को जिंदगी में चाहिए ही क्या। खत्म होते ही घर का राशन, नई झाड़ू पोछा, साबुन सोडा जैसी घर की ज़रूरतें की चीज़ें ही वो मांगती हैं। और बस दो सवालों के जवाब, क्या सब्जी बनाऊँ, क्या खाने में क्या बनाऊँ, जो आपको पसंद हो वही बनाऊँ। आप लोग को पता है, रोज सज सवर कर घर से निकलने वाली वर्किंग वूमन, अस्त व्यस्त बाल और कपड़ों, हाउसवाइफ को कपड़ों वाली, जो अस्त व्यस्त बाल और कपड़ों वाली होती हैं, जो वर्किंग वूमेन है, हाउसवाइफ को देख के ऐसा इतराती हैं जैसे फ्लैट वाली ने झुग्गी वाली को देख लिया हो। फिर कभी किसी पार्टी में सजी सवरी हाउसवाइफ को देख के, ये तो फ्री है, हम तो जॉब करते हैं, हमारे पास इतना टाइम कहाँ संवारने का, ऐसे रिएक्शन देती हैं। अब उन्हें क्या पता कि हमारे ऊपर कितना काम है, कितना काम करते हैं हम लोग। और ये तो हर हाउसवाइफ समझती होगी, सुबह से उठो, लगभग पूरे दिन काम करते रहो, पूरा दिन आप फ्री नहीं रहोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनी शेड ब्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड, अभी हो रहा है मॉर्निंग के 10 और मेरा पूरा काम, जितने भी वर्क थे, कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी मैं जा रही हूँ बिटिया के स्कूल, क्योंकि वो सुबह 7 बजे का गई है और अब उसकी छुट्टी हो गई होगी, तो मैं उसको लेके आऊँगी, फिर जितने वर्क है उसको करूँगी। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ और बिटिया रानी को लेके आते हैं, तो बने रहिएगा ब्लॉग में और अपना कमेंट मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो अनु, तो अभी स्कूल से ले ली हूँ बिटिया रानी को। हेलो अनु, अनु चलो घर, कैसा रहा एग्जाम? अच्छा। वही प्रैक्टिकल कराई मैं। एटीएम जाना था बेटा। क्या? एटीएम जाना बेटा, चलो क्या? ठीक है। हाउसवाइफ के ऊपर फ्रेंड बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग फ्री रहते हैं पूरा, मतलब 12 महीने एक दिन भी छुट्टी हमारी नहीं रहती है। बाकी तो जो जॉब वाली औरतें हैं या फिर जॉब वाले, मतलब जितने भी जेंट्स भी हैं, उनकी भी छुट्टी रहती होगी हर संडे को, लेकिन हमारी कभी छुट्टी नहीं रहती है। अभी देखिए, मैं घर के काम के अलावा बाहर का काम भी करती हूँ, जैसे बच्चों को स्कूल से लाना हुआ, वो हर हाउसवाइफ करती होगी। और यहाँ देखिए, एटीएम में गाय घुस के पैसे निकाल रही थी। फ्रेंड, यहाँ पे पैसे मैंने निकाल लिया है और अब चल रहे हैं घर। पकड़ बेटा। फ्रेंड, मैं इसको लेके आ गई हूँ घर और बस अब रूम में पहुँचने ही वाले हैं। लोग बोलते हैं कि क्या काम रहता है, हमें घर को संभालने के साथ साथ बाहर भी जाना पड़ता है, बहुत मेहनत है। चल ड्रेस चेंज करो जल्दी। अंशिका, आज राधा कृष्ण का भी था क्या? लेकिन हमें नहीं दिखाया जाए, बताऊं क्यों? क्योंकि कुछ लोग 10-10 करके ना
सब कंप्यूटर टेस्ट के लिए जा रहे थे तो मैम ने बोल दिया था, संगीता मैम बोल रही थी कि बुलाओ क्लास 4A को, तो हमारी क्लास टीचर ने कहा कि नहीं अभी उनका टेस्ट चल रहा है। तो टेस्ट अच्छा हुआ? पसंद आया? क्या? मेरा मोबाइल निकाल दो तो, मेरे पर्स से। थैंक यू सो मच। तो अभी आ गई हैं बिटिया रानी, अब मैं जा रही हूँ इनको कुछ खाने पीने के लिए देने, क्योंकि सुबह में इनको मैंने चाय और ब्रेड दे दिया था खाने के लिए, है ना? चाय और ब्रेड नहीं, टोस। पता नहीं आप लोग टोस समझते होंगे कि नहीं, वो कड़ा वाला ब्रेड आता है ना, उसको मैं बोल रही हूँ, उसको मैंने इसको दे दिया था और ये खा चुके हैं। देख रहे हैं कपड़ा प्रेस करने के लिए उतना सारा पड़ा है और मुझे आज प्रेस भी करना है। बहुत सारे ऐसे वर्क है जो मैंने कई दिनों से टाल के रखा था, क्योंकि त्योहार थे, कल हल षष्ठी था, उससे पहले गणेश चौथ था, तो मेरा निर्जला उपवास चल रहा था। अब मुझे जितने भी वर्क मैंने टाल के रखे थे अब उसको मुझे करना है। तो फ्रेंड बने रहिएगा ब्लॉग में, आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जल्दी जल्दी में मैंने कपड़े भी नहीं सुखाए थे फ्रेंड, और आजकल बारिश की वजह से कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं, बारिश होते रह रही है। पूरे सावन तो बहुत कम बारिश हुआ, लेकिन अभी भादो जब लगा है ना तो बारिश स्टार्ट हो गया है, और मैं सोच रही थी कि जल्दी जाऊँ घर में और कपड़े डाल दूँ, कम से कम हवा से तो सूखेंगे, हवा चल रही थी। और यहाँ पर मैं फटाफट से कपड़े सूखने के लिए डाल रही हूँ। फ्रेंड अभी बन रहा है यहाँ पे दाल, और दाल मैंने चढ़ा दिया है, धीरे धीरे पकते रहेगा, क्योंकि 12:30 तक मुझे दाल चावल रेडी करना है, क्योंकि बेटू आता है तो उसको मतलब लंच में दाल चावल ही चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इसको चढ़ा दिया है। ये कल मंगलवार था तो प्रसाद है कल का, तो मैंने नहीं खाया था, तो मैं खा लेती हूँ अभी। जय फ्रेंड, यहाँ पे टीवी में नो सिग्नल आ रहा है तो मैं अभी मोबाइल में चला रही हूँ, देखिए, क्योंकि मुझे इनकी प्रवचन बहुत अच्छी लगती है। देखिए फ्रेंड्स कितनी जोर से बारिश हो रही है, और वहाँ साइड देखिए कितना पूरा पानी भरा है, पूरे लेक्स हैं ये सब। और मम्मी मुझे मतलब प्रवचन सुन रही है। फ्रेंड अभी जब बारिश रुकी तो सिग्नल आने लगा है, और मैंने टीवी भी ऑन कर दिया है ताकि टीवी में देखूं, और देखिए पूरा दीवार मेरा बेटू ने खराब कर दिया है। आपने पहले पहले ब्लॉग में दिखाया था, फ्रेंड अभी टाइम हो चले हैं 4:30, प्रवचन ख़त्म हो चुका है, मैंने पूरे वर्क कर लिए हैं, तो हस्बैंड जी ने बोला कुछ चटपटा खाने का जी कर रहा है, तो अभी मैं जा रही हूँ चाट बनाने, वो भी कॉर्न का, और बहुत ही यम्मी सा बनता है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी और चटपटा सा बनता है। तो घर में सब्जी वैसे ख़त्म हो गया था फ्रेंड, सब्जी जो ही था, धनिया अभी मेरे पास नहीं है, इसमें बहुत कुछ डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास बस टमाटर थे, हरी मिर्ची थी और प्याज थे, और आज बाज़ार भी है
सब्जी मार्केट भी जाना है सब्जी, क्योंकि सब खत्म थे फ्रिज में, लेकिन जो ही है उसी से मैं बना रही हूँ। आप बहुत कुछ डाल के इसमें बना सकते हैं, और इसमें खास करके मुझे मैगी मसाला जब ऐड करती हूँ ना तो बहुत खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को छोटा छोटा भूख लगा था, तो वो बोल रहे थे नहीं बना दो मैं खाऊँगा, तो अभी मैं लग गई हूँ बनाने में। कॉर्न को मैंने पहले ही हल्का गुनगुना पानी में इसको बॉईल कर लिया था, धो लिया था, बॉईल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नरम होते हैं और अच्छे तरह से पक जाते हैं कढ़ाई में। जब आप भूज के और उसको ढक के छोड़ देंगे ना फ्रेंड, तो बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। और देखिए कितना अच्छा प्यारा सा कलर आया है ना, देख के मेरे मुँह में तो अभी से पानी आ रहा है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। देखिए फ्रेंड्स पूरी तरह से रेडी है और कलर भी बहुत उभर के आया है ना, और देखिए पूरा पक चुका है। और अब चलिए इसको प्लेट में सजाते हैं, और ये मतलब कम से कम ना 5 से 10 मिनट लगते हैं, बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाता है। कुछ चटपटा खाने का जी करे तो बना लीजिए। और चलिए अभी प्लेट लगाते हैं, लगा के भी दिखाती हूँ कैसे लगाती हूँ मैं। इसको मैंने प्लेट में थोड़ा सा निकाल लिया है फ्रेंड, इसको फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा दही डाला है क्योंकि दही से इसका टेस्ट जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद टोमेटो सॉस है, और अनियन भी डाल सकते हैं चॉप किए हुए, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, मेरे हस्बैंड जी को पसंद है। और इस पर मैं डाल रही हूँ पतला वाला सेव, और ये पूरी तरह से रेडी है फ्रेंड। चलिए लेके चलते हैं। अच्छा बना है, देखिए फ्रेंड ये मेरे बेटू का काम है, कुशन बार बार उठा के नीचे फेंक देना, इसका वही काम है मेरा, बार बार उठा के रखना काम है। देखिए सोफा कवर कैसे कर देता है खेल खेल में। मैं देखती हूँ इसको सब समेटूंगी झाड़ूंगी। बैग यहाँ है, और एक ये टिफिन रह गया। फ्रेंड यहाँ पे फिर से हो गई है बारिश स्टार्ट, और शाम के टाइम में फिर से बारिश हो रहा है, तो रात बहुत ही ठंडी होगी और गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिले। इसी के साथ धन्यवाद, श्री राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।